क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिले चाहिए। और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई युवा के ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान देगा। यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री बताया, और ये जो एनडीए का 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है उन लोगों को नौकरियां। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है, आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाए।